हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट जैसा पनीर भुंजी बना के दिखाऊंगा। ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहती है और आप इसको बिल्कुल इजीली अपने घर पे या अपने रेस्टोरेंट में बना सकते होते। देखिए, यही वो पनीर भुंजी है जो आज हमने बनाया। तो ये अंडों से ज़्यादा टेस्टी रहती है और आप इसको बिल्कुल थोड़े से पनीर से 2-4 मिनट में अपने घर पे टेस्टी होटल जैसी पनीर भुंजी बना सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। तो यहाँ पे देखिए, हमें पनीर भुंजी बनाने के लगेंगे चॉप लहसुन, चॉप ग्रीन चिल्ली, चॉप टोमेटो, चॉप धनिया, चॉप प्याज, और हमने थोड़ा सा मलाई वाला पनीर लिया और हमने ग्रेटर लिया। तो हम पनीर को सबसे पहले अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेंगे। तो आपको ग्रेटर से बड़े साइज से पनीर को अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना है। देखिए, बिल्कुल इसी प्रकार से बिल्कुल बड़ा बड़ा आपको अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने करीबन 200 ग्राम पनीर लिया है। तो हम 200 ग्राम पनीर की आज भुंजी बनाने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया है। तो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल, और ऑयल को बिल्कुल आपको अच्छे से हीट होने देना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चॉप लहसुन। देखिए, लहसुन से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, और लहसुन को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्राउन होने तक पका लेना है। देखिए, बिल्कुल इसी प्रकार से। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे होल जीरा और थोड़ी राई। इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से तिड़कने देंगे इनका, ताकि जो टेस्ट है बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चॉप प्याज। तो प्याज को आपको अच्छी तरीके से फाइन चॉप कर लेना है और इनको गोल्डन टू ब्राउन तक पका लेना है। देखिए, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको प्याज को बिल्कुल ब्राउन होने तक पका लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चॉप कटी ग्रीन चिल्ली। तो ग्रीन चिल्ली आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो, और इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और अच्छी तरीके से इनको पका लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे थोड़ा नमक, थोड़ी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर आपको टच कर लेना है, और थोड़ा धनिया पाउडर। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चॉप कटे टोमेटो, और बिल्कुल टोमेटो को गलने तक पका लेना है। देखिए, उसी के साथ हमारे मसाले भी अच्छी तरीके से पक जाएंगे, और देखिए इसी प्रकार से आपको मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारे मसालों में काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है, जो आना चाहिए बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे ग्रेट किया हुआ पनीर। देखिए, आपको पनीर को ऐड कर लेना है और इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। उसी के साथ फ्रेश कटा हरा धनिया, और देखिए 2 मिनट तक आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इसको इसी प्रकार से। तो देखिए, बिल्कुल अंडों की भुंजी जैसी हमारी पनीर की भुंजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हम इसको बिल्कुल 1 मिनट तक और पकने देंगे। तो आप इसको रोटी, नान या चावल के साथ इसको सर्व कर सकते हो। तो देखिए, ये हमारी होटल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर भुंजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जो हमारे होटल से रिलेटेड आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, ये हमारा यानी पनीर भुंजी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए इसका टेक्सचर, इसका कलर। तो मिलते हैं हमारे अगले रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।